हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक तोमर आप सभी का स्वागत करता हूं। और मार्स एकेडमी में आज आपका एक नया सब्जेक्ट और जुड़ रहा है जिसका नाम है जीएस जनरल स्टडीज़। और उसमें आज हम पॉलिटी स्टार्ट करने वाले हैं, तो वो मैं आपको हाथ से लिख के पढ़ाऊँ पूरी क्लास, तो उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा क्योंकि बच्चों का सीजीएल का एग्ज़ाम आ रहा है ना। तो मैंने मेरे स्टूडेंट ने बहुत अच्छे से नोट्स बनाए हैं, ठीक है ना। तो उन्हीं नोट्स को मैंने आपको पीडीएफ की फॉर्म में यहाँ पे रखा है और मैं आपको चीज़ों को समझाता हुआ चला जाऊँगा। और ये नोट्स आपको हमारे मार्स एकेडमी जो चैनल है उस पर मिल जाएंगे, जो मार्स एकेडमी है वहाँ पर आपको मिल जाएगा, मार्स एकेडमी पे, ठीक है ना, टेलीग्राम चैनल पे। और आप इसको वहाँ से देख सकते हैं। बाकी अब मैं यही आपसे यही कहूँगा कि आप इनको नोट्स को अगर आप अच्छे से अपने आप हाथों से बनाएंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है ना। चलिए तो हम बात करें पॉलिटी की, हम बात करेंगे पॉलिटी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि राज व्यवस्था की हम बात करने वाले हैं, राज व्यवस्था और संविधान की। पहली बात करेंगे संविधान होता क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। संविधान एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ रूल्स, ए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ लॉज, जहाँ पर एक कानून का समावेश है कि हम कानून के दायरे में रह के हम कुछ काम करेंगे, ठीक है ना। हम कानून के हिसाब से काम करते हैं, तो हम बोलते हैं ना कि देश संविधान से चलता है, यानी कि संविधान में जो लिखी हुई बातें हैं, जो हमारा डेमोक्रेट, जो हमारा रिपब्लिक है ना, जो हमारा गणतंत्र है, तो उसी के हिसाब से हमारा जो लॉ है, उसी लॉ के हिसाब से हमारा क्या करेगा, देश चलता रहता है। तो यानी कि ये हमारा पास जो कानून है, तो कानून जो है, कानून को बनाया गया, संविधान को लिखा गया, बहुत देशों को समझा गया, उसके बाद हमने कानून को लिखा, संविधान को लिखा, और उसी को आज हम मानते हैं सर्वोपरि। तो भारत देश में सबसे ऊपर अगर कोई है, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर अगर कोई है, तो वो कौन है, संविधान है, कानून है, ठीक है। चलिए तो हम सबसे पहले अपना टॉपिक लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, भारत का संवैधानिक विकास, कि भारत का जो संविधान है उसका विकास कैसे हुआ। देखो आपको पता है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी राज किया करती थी, है ना। तो इसको हमने दो पार्ट में बांटा है, पहला पार्ट बांटा है कंपनी रूल, दूसरा बांटा है जो आपकी जो एलिजाबेथ महारानी थी उसको बोलते हैं क्राउन, तो क्राउन रूल। तो यानी कि कंपनी का शासन, इसको हम दो पार्ट में पढ़ेंगे, यानी जब भारत में कंपनी आ जाती है 1773 से लगाकर, जब भारत में पहली बार बंगाल का गवर्नर बनाया जाता है उस टाइम से लगाकर, और जब भारत में पहली बार स्वतंत्रता आंदोलन होता है 1857, तो 1773 से लगाकर 1857 का जो हमने टाइम पीरियड दिया है वो दिया हमने किसको, कंपनी रूल को। और फिर हमारा जो 1857 से लगाकर 1947 जब तक भारत आज़ाद नहीं हो जाता, उसको हमने दिया है किसका, क्राउन रूल, यानी कि ब्रिटिश की जो महारानी होगी उसको बोलते हैं हम क्राउन रूल, ठीक है ना। तो क्या होता है, 1600 ईस्वी में एक चार्टर जारी किया जाता है, एक राजलेख जारी किया जाता है, एक किसके द्वारा किया जाता है, जो हमारे पास क्वीन एलिजाबेथ टेलर फर्स्ट थी, तो क्वीन एलिजाबेथ टेलर ने जो फर्स्ट थी, उसने एक चार्टर, एक राजलेख पत्र जारी किया एक कंपनी को कि आप जाइए और आप जाकर जो दुनिया के देश हैं उसमें आप अपना ट्रेड कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। उसी चार्टर को लेकर 1600 ईस्वी में भारत में आ जाते हैं अंग्रेज कि देखो जी, हमें महारानी ने एक राजपत्र दिया है, हम व्यापार करना चाहते हैं, तो उसके बिहार पर हम व्यापार करेंगे, ठीक है ना। तो ये जो 1600 की बात है, तो 1600 में ये मिला था, तो इसमें क्या होता, जो हमारे पास मर्चेंट एडवेंचर्स एक कंपनी थी, तो 15 साल के लिए इसको ट्रेड मोनोपोली एक अधिकार, यानी कि और कोई अधिकार नहीं कर सकता, ठीक है ना, और कोई अधिकार नहीं कर सकता। तो ये ब्रिटिश जो क्राउन थी उसके द्वारा दिया गया कि जाइए, ये मर्चेंट एडवेंचर्स एक ग्रुप था व्यापारियों का, ये 15 सालों के लिए एक चार्टर बना के लेके आया कि इन्हीं का व्यापार के लिए भारत में एकाधिकार रहेगा, दिस इज द ट्रेड मोनोपोली फॉर द ट्रेड इन इंडिया, भारत में व्यापार करने के लिए इनका एक अधिकार रहेगा और इसके अंदर कोई नहीं आ सकता। तो 31 दिसंबर 1600 के अंदर क्या होता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी BIC के 217 मेंबर आते हैं और इसकी स्थापना हो जाती है, ठीक है ना। तो ये तारीख ध्यान रखेंगे, 21 दिसंबर 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के 217 मेंबर्स की एक स्थापना होकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बना लेते हैं। और इसी के संदर्भ में चलते चलते 1613 में अंग्रेज अपनी एक फैक्ट्री बना लेते हैं, एक अपनी फैक्ट्री का एस्टेब्लिशमेंट करते हैं, स्थापित करते हैं। 1613 में फर्स्ट फैक्ट्री लगाते हैं, ये लगाते हैं सूरत में, कहाँ लगाते हैं, सूरत में लगाते हैं, और ये इसकी इनिशियल कैपिटल थी, हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये क्वेश्चन आएगा कि बताइए अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई थी, तो सूरत में लगाई थी, जो स्टेबल थी, और ये लगाई थी 1613 के अंदर, ठीक है। इसके बाद अंग्रेज़ क्या करते हैं, भारत में तीन प्रेसिडेंसी बनाते हैं,
तीन प्रेसिडेंसी बनाते हैं, उसमें से एक प्रेसिडेंसी बनती है आपकी कोलकाता के अंदर, जिसको आप कलकत्ता कहा, जिसका नाम पुराना नाम कलकत्ता था, उसका बाद बनती है मद्रास में, और ये बनती है कहाँ पर, बॉम्बे में। जब आप इकोनॉमी पढ़ते हो तो आपको तीन बैंक भी मिलते हैं, है ना, तो बैंक ऑफ मद्रास मिलता है, बैंक ऑफ बॉम्बे मिलता है, बैंक ऑफ कलकत्ता मिलता है, जब आप बैंकिंग हिस्ट्री पढ़ते हो। तो ये 1697 से 98, फिर 1640 में ये बनाया गया, तो 1690 से 1677 तक बनाया गया था आपका बॉम्बे प्रेसिडेंसी, ठीक है ना। इसमें एक गवर्नर हुआ करता था, इसकी हेल्प करने के लिए एक डिप्टी गवर्नर हुआ करता था, और इसमें लगभग 24 अन्य मेंबर हुआ करते थे, जो इसके पूरे मंत्रिमंडल में हुआ करते थे, इसके कैबिनेट में हुआ करते थे, जो इनकी हेल्प किया करते थे, ठीक है। चलिए, तो फिर 1726 में एक चार्टर एक्ट और आया, इसमें क्या कहा गया, द गवर्नर एंड हिज काउंसिल गॉट द पावर टू मेक लॉज फॉर देयर प्रेसिडेंसी, कि जो भी जिस राज्य का गवर्नर है वो उसके लिए अपने नियम कायदे कानून बना सकता है, और ये बात कही गई 1726 के राजलेख में। बात समझ में आई ना, आपकी तीन प्रेसिडेंसी बनाई गई थी, कौन कौन सी, मद्रास, कोलकाता और कौन सी, मद्रास, कोलकाता और बताओ बॉम्बे। तो इन तीनों में जो गवर्नर था, क्योंकि एक गवर्नर हुआ करता था, एक डिप्टी गवर्नर हुआ करता था, और उसके कैबिनेट के अलग मेंबर्स हुआ करते थे, तो ये कहा अगर आप चाहते हो, अगर गवर्नर चाहता है कि उसके परिषद के लिए आपको कुछ कुछ भी लॉ बनाना है तो आप बना सकते हो। बात समझ में आ गई कि इतनी। चलिए, अब कहानी बढ़ती है आगे, क्योंकि अब तक भारत में जो राजा थे उनका बड़ा अच्छा शासन चल रहा था, और इससे लोग डरते भी थे, ठीक है ना। लेकिन एक कहानी हो जाती है, और कहानी हो जाती है 1757 में बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध हो जाता है, और इस प्लासी के युद्ध में क्या होता है, जो अंग्रेजों का गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव, और हमारा कौन था, सिराजुद्दौला, इन दोनों के बीच में युद्ध होता है। ये कलकत्ता की बात है, जो हमारा, जिसको आज हम बंगाल कहते हैं, और इन दोनों में क्या होता है, युद्ध होता है, रॉबर्ट क्लाइव जीत जाता है, और जीतने के बाद इनको लगता है कि हाँ अब हम बहुत कुछ कर सकते हैं भारत में, अब हम ट्रेड के साथ साथ इन पर हम क्या करेंगे, अपना राज्य भी कर सकते हैं, ठीक है ना। चूंकि भारत में गद्दारों की कमी नहीं थी, आज भी नहीं है, ठीक है। तो गद्दारी के साथ एक मीर कासिम हुआ करता, वो हिस्ट्री का पार्ट है, उसको मैं आपको समझाऊंगा। उसके बाद जैसे ये हारता है, ठीक है ना, हारने के बाद ये इकट्ठे होते, क्योंकि अवध में 1857 की जब क्रांति हो रही थी, तो उससे पहले की बात करेंगे तो अवध वाले लोग भी परेशान थे, क्योंकि पेंशन न बनाने की इन्होंने स्कीम स्टार्ट कर दी थी, वो एक अलग पार्ट है, उसको छोड़ दीजिएगा। तो इसके बाद ये जो बैटल ऑफ बक्सर है, ये बैटल ऑफ बक्सर ही डिसाइड करता है कि अब अंग्रेजों में भारत में अंग्रेज ही शासन करेंगे, व्यापार भी करेंगे और शासन भी करेंगे। क्योंकि बैटल ऑफ बक्सर में 1764 में वह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें भारत के तीन राजा एक साथ लड़ते हैं, जिसका नाम शाह आलम सेकंड था, जिसका नाम सिराजुद्दौला था, और जिसका नाम मीर कासिम था। इन तीनों ने मिलकर अपनी पूरी सेना को इकट्ठा किया, है ना, और तीनों को जब सेना इकट्ठा करने के बाद भी ये लड़ने गए, और इनका जो नेतृत्व कर रहा था किसका, अंग्रेजों का, वो हेक्टर मुनरो था, और हेक्टर मुनरो ने इन तीनों को हरा दिया, और ये पहली वास्तविक विजय मानी जाती है किसकी, अंग्रेजों की। और यहीं से अंग्रेजों ने भारत में प्रशासन करने का काम स्टार्ट किया। तो ये बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जब आपका प्लासी का युद्ध होता है 1757 में, उस टाइम आपका रॉबर्ट क्लाइव होता है, और जब आपका बैटल ऑफ बक्सर होता है 1764 में, तो आपका हेक्टर मुनरो इनका क्या करता है, इनका चीफ होता है, गवर्नर होता है। चलिए, अब 1765 और 1772 यानी कि 1765 से लगाकर 1772 तक इसको एक नाम दिया गया, भारत की लूट, लूट ऑफ भारत। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या किया, बंगाल में द्वैत शासन स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना, द्वैत शासन इन्होंने क्या किया, बंगाल में स्टार्ट किया। इसमें डायरेक्टी सिस्टम लागू कर दिया गया, और डायरेक्टी सिस्टम लागू करने के बाद भारत में जितना पैसा इनसे लूटा जा सकता है, इन्होंने लूटना स्टार्ट कर दिया। 1772 ईस्वी में क्या होता है, गवर्नर ऑफ बंगाल बनाया जाता है। पहला क्वेश्चन बनेगा यहीं से, बताइए भारत का पहला, सॉरी बंगाल का, भारत का नहीं, बंगाल का पहला गवर्नर कब बनाया गया, 1772 में बनाया गया, उसका नाम क्या था, वारेन हेस्टिंग। तो वारेन हेस्टिंग इज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। चलिए, अब इसने क्या किया, इसने आते ही जो इन्होंने डायरेक्टी सिस्टम लागू किया था, उस डायरेक्टी सिस्टम को क्या किया, एबोलिश किया, खत्म कर दिया। तो इसने डायरेक्टी सिस्टम को खत्म किया, और खत्म करने के बाद, अच्छा एक क्वेश्चन और, चलो नीचे लेंगे एक बार। तो इसने क्या किया, डायरेक्टी सिस्टम को खत्म किया, और यहां पर फिर कंपनी रूल आता है 1773 से लगाकर 1857 तक। अब हम इसको पढ़ेंगे, अपना पहला पार्ट, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, क्योंकि 1857 के बाद हमारे पास क्या जाएगा, वो आएगा ब्रिटिश युग की जो महारानी है, जो क्राउन है, उसका रूल चलेगा। अब यहां पर सबसे पहला हमारा आता है, क्या आता है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, जो हमारा रेगुलेटिंग अधिनियम है 1773, इसके द्वारा क्या किया गया, इसके द्वारा किया गया, जो हमारे पास कंपनी थी, उस कंपनी का जो ट्रेड था, उस ट्रेड को 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। कितने साल के लिए, 20 साल के लिए। पहले चार्टर एक्ट कितना था, 15 साल के लिए था।
तो ट्रेड मोनोपोली फॉर 20 ईयर्स मोनोपोली चली रही है और कोई व्यापार नहीं कर सकता। हालांकि वो बात अलग है, यहाँ पे डच थे आपके, पुर्तगाली थे, है ना, पोर्टुगीज थे आपके, हॉलैंड से आए हुए व्यक्ति थे, ठीक है ना, उनका अलग चला था, उनका इनका आपस में युद्ध चलता रहता, फ्रांसीसी भी थे इसके अंदर। तो अब इन्होंने क्या किया, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा भारत का, भारत में जो पहला जो जो बंगाल का गवर्नर था, बंगाल का जो गवर्नर था, गवर्नर ऑफ बंगाल बना दिया गया। और बंगाल का पहला गवर्नर किसको बनाया गया था, वारेन हेस्टिंग को बनाया गया था, ठीक है ना। फर्स्ट गवर्नर आपका कौन सा बन गया, वारेन हेस्टिंग बन गया। अब इसी के द्वारा भारत में पहली बार एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है। क्वेश्चन आएगा, बताइए भारत में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई थी, तो वो आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा कलकत्ता के अंदर पहली बार सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। चलेंगे, नीचे लिखा हुआ होगा। हाँ, तो एक्ट था कौन सा, एक्ट था 1773, लेकिन 1774 में सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। देखो दोनों चीज़ों में अंतर समझिएगा, जो हमारा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बनाया जा रहा था वो हमारा कब बनाया जा रहा था, 1774 में बना के तैयार किया गया, यानी कि वो काम में आ गया, लेकिन बनाया किसके द्वारा गया, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 1773 के द्वारा बनाया गया था। आई थिंक बात समझ में आ रही है ना, एक बार लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो अब जब ये सुप्रीम कोर्ट बन गया 1774 में, तो क्वेश्चन आएगा, बताइए इसका पहले चीफ जस्टिस कौन था, तो ये कौन था, लॉर्ड एलिजा इम्पे। लॉर्ड एलिजा इम्पे इज द चीफ जस्टिस ऑफ दिस टाइम, है ना। और इसके साथ तीन जज और थे। अभी क्वेश्चन किसी में शायद लोअर पीसीएस में आया था कि जब पहली बार भारत में सुप्रीम कोर्ट बनाया गया रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा, तो उसमें कुल मेंबर कितने थे, तो कुल मेंबर तो चार थे। एक तो हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लॉर्ड एलिजा इम्पे, और इसकी सहायता करने के लिए तीन जज और थे, जिसका नाम लॉर्ड हाइड था, लॉर्ड चैम्बर्स था, और लॉर्ड हमारा कौन था, लिमस्टिक था। तो यानी कि आपके तीन जज और थे, ठीक है। चलेंगे आगे, इसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1781। हालांकि हर 10 साल के बाद आया करता था, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं था, इसमें हमारा ICS इंडियन सिविल सर्विस जोड़ा गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। हालांकि इसको भारत में सिविल सर्विस का जनक भी कहा जाएगा, लेकिन वो बाद की बात है। चलिए, अब इसके बाद 10 साल बाद आता है 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट में अब पूरा का पूरा जो कंट्रोल था वो लंदन से कर दिया गया। कहाँ से कर दिया गया, लंदन की, जो हमारा ब्रिटेन में था लंदन, उसकी पार्लियामेंट से कर दिया गया। इसके बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कितने मेंबर हुआ करते थे, 6 मेंबर हुआ करते थे। इसी को बोला गया नियंत्रक मंडल, कंट्रोल बोर्ड बोला गया, ठीक है ना। और एक कोर्ट कहाँ हुआ हमारा इसके लिए, इंग्लैंड में हुआ, ठीक है। हालांकि 1786 का अधिनियम फिर आता है, लेकिन हमारे काम की बात नहीं, हम पढ़ेंगे 1793 का चार्टर एक्ट आता है। 1793 का 1793 में जो चार्टर एक्ट आता है, उसमें रिवेन्यू पॉलिसी रखी गई। रिवेन्यू पॉलिसी में क्या रखा गया कि भाई जो हमारे पास बजट होगा उस पर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, भारतीय लोग बहस नहीं कर सकते, क्वेश्चन बात कर सकते हैं, सुन सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी में दिया गया था। इसके बाद ये हमारे लिए क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट होता है, 1813 चार्टर अधिनियम। 1813 चार्टर अधिनियम में क्या होता है, 1813 चार्टर अधिनियम में भारत में अंग्रेजी के लिए, जो इंग्लिश है, इंग्लिश जो लैंग्वेज है, उसकी शिक्षा के लिए हमें 1,00,000 रुपये दिए जाने लगे। 1,00,000 रुपये हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट देती थी। जो क्रिश्चियंस थे, जो इसकी मिशनरी थी, तो जो क्रिश्चियंस मिशनरी थी उसका इंडिया में आना स्टार्ट हो गया, वे अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए काम में लग जाते हैं, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद 1833 चार्टर, इतना इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, इसमें कोई खास बात नहीं है। चलेंगे, अब यहाँ पर क्या होता है, इसमें हमारे पास गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, हाँ ये 33 के द्वारा बनता है, और भारत का पहला गवर्नर जनरल बनता है जिसका नाम है लॉर्ड विलियम बेंटिक, जिन्होंने सती प्रथा को बंद किया था, है ना, राजा राम मोहन राय की सहायता से, ठीक है ना। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। पहला गवर्नर कौन था बंगाल का, वो था वारेन हेस्टिंग। चलिए, इसके बाद जो है वो भारत की क्रांति हो जाती है 1857, और यहाँ से हमारा रूल हो जाता है जो आपका जो क्राउन रूल है, यानी कि अब जो है सारा का सारा जो लेना देना है वो हमारी कौन करेगी, ब्रिटेन की महारानी करेगी। और पहला एक्ट आता है 1858 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत शासन अधिनियम, ठीक है। चलिए, अब इसमें पहली बात तो क्या किया गया, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था उसको चेंज कर दिया गया वायसराय में, है ना, उसको क्या बना दिया गया, वायसराय। जो भारत में राष्ट्रपति का काम है वो हमारा उस टाइम वायसराय का काम हुआ करता था, बस पोस्ट का नाम चेंज कर दिया गया, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन ये बन सकता है, बताइए ये लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इज कन्वर्ट इनटू वायसराय, इसका चेंज कर दिया गया, ठीक है ना। तो ये नई पोस्ट बना दी गई थी, ठीक है। चलिए, तो अब इसमें क्या होता है, एक नई पोस्ट बनाई गई सेक्रेटरी ऑफ स्टेट राज्य सचिव की, और काउंसिल बनाई गई, एक भारत परिषद बनाया गया, उसमें 15 मेंबर हुआ करते थे।
अब इसमें क्या काम किया गया, जो हमारे पास जो ये होम मिनिस्ट्री थी जिसको हम गृह सरकार बोलते थे, इसी के अंदर ये दोनों चीज़ आया करते थे, राज्य सचिव भी और हमारे पास भारत की जो परिषद थी ये भी। ठीक है, चलेंगे आगे। 1861 का काउंसिल एक्ट आता है, ठीक है ना, 1800, हालांकि 1860 में जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हो तो उसमें भारत में पहली बार बजट पेश किया जाता है ना, जेम्स विल्सन के द्वारा किया जाता है। फिर 1896 में इंडियन काउंसिल एक्ट आता है, भारत परिषद अधिनियम आता है। उसके बाद 1909 बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। भारत में कम्युनिज्म का सांप्रदायिकता का शुरुआत ही कहाँ से होती है, 1909 से होती है। ठीक है, चलेंगे थोड़ा सा ऊपर। और इसके बाद इसमें एक सेंट्रल लेजिस्लेशन काउंसिल बनाई जाती है, जिसमें 69 मेंबर्स होते हैं। ठीक है ना, चलेंगे थोड़ा सा। और इसमें हमारे पास जो बंगाल मद्रास था इससे 50 मेंबर आते हैं, अदर प्रोविंसेस से 30 मेंबर आते हैं, ये आपके काम की बात नहीं है। 1919 को आप ध्यान रखेंगे, 1919 को बोला जाता है माउंटेग्यो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। ठीक है ना, पूछा जाता है बताइए ये कब लागू हुआ था, तो ये 1919 का था, ये भी एक सुधार अधिनियम था। ठीक है, और लास्ट में हम पढ़ेंगे 1935, ये है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। और भारत के संविधान में सबसे बड़ा अगर योगदान माना जाता है तो वो माना जाता है हमारे 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का। इससे हमने क्या क्या लिया है, ठीक है ना। देखो मैं इसमें आपको कुछ ज़्यादा सिर्फ एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इसमें बोलना चाहूँ तो बहुत सारा बोल सकता हूँ, लेकिन आपको एग्जाम के हिसाब से ही पढ़ना है। आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बाकी जब मैं क्वेश्चंस की सीरीज कराऊंगा जो क्वेश्चन छूटेंगे आपके वहाँ से आ जाएंगे। 1935 में हमने 10 शेड्यूल्स लिए थे अनुसूचियाँ, क्योंकि हमारा जो पूरा संविधान है वो बटा हुआ है, अभी उसमें 12 अनुसूचियाँ हैं, है ना, 20 भाग हैं, अब 465 से ज़्यादा अनुच्छेद हो चुके हैं, तो वो सब चीज़ें थी। इसमें 14 भाग उस टाइम हुआ करते थे, 321 आर्टिकल हुआ करते थे, ठीक है ना। और भारत, चलेंगे ऊपर। इसके बाद देखिएगा, 1 अप्रैल 1935 को हमने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की थी, ठीक है ना। इसके बाद 1935 में हमने अपना एक सुप्रीम कोर्ट बनाया था जो कलकत्ता दिल्ली में था, ठीक है। उसके बाद 1937 में हमने फेडरल कोर्ट ऑफ इन इंडिया, जिसको आप सुप्रीम कोर्ट भी बोल सकते हो, संघात्मक बोल सकते हो, ठीक है ना। ये हमारी कुछ असेंबलीज थी, ये आपके काम की बात नहीं। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, 1937 जो हमारा बर्मा है, जिसको आप आज म्यांमार बोलते हो, उस म्यांमार को हमने 1937 में क्या किया, भारत से सेपरेट किया था। बर्मा वाज सेपरेटेड हुआ था, भारत से अलग हो गया था, ठीक है ना। इसमें हमने कुछ सूचियाँ बनाई थी, जिसको आपने बोला था यूनियन लिस्ट, है ना, जिसपे केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है। कुछ होगी हमारी प्रोवेंस, जो हमारी राज्य सरकार कानून बना सकती है, स्टेट लिस्ट बोल सकते हैं। कुछ होती है कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है ना, जिसपे दोनों मिलकर अपनी सहमति से क्या कर सकते हैं, कानून बना सकते हैं। 1940 में हमारे पास एक अगस्त ऑफर आता है, अगस्त प्रस्ताव आता है, हालांकि उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है गांधी जी के द्वारा, और गांधी जी पहली बार अपना यहाँ पर पर्सनल क्या करते हैं, सत्याग्रह करते हैं। और विनोबा भावे और पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके दूसरे व्यक्तित्व थे जिन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह किया था। फिर हमारा ये क्रिप्स मिशन आता है 1942, इंपॉर्टेंट है, ये भी रिजेक्टेड कर दिया जाता है, और यहीं से हमारा स्टार्ट होता है भारत छोड़ो आंदोलन, अंग्रेजों को बोला जाता है भारत को छोड़ दो। इसके बाद फिर वर्ल्ड वार होता है, वर्ल्ड वार में फिर उसके बाद भारत को भरोसा दिया जाता है, तो 1946 में हमारा कैबिनेट मिशन आता है, और कैबिनेट मिशन में 3 मेंबर होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक इसमें क्रिप्स होता है, एक इसमें अलेक्जेंडर होता है, एक इसमें लॉरेंस होता है, और ये तीनों मिलकर ही भारत में संविधान सभा का निर्माण करके जाते हैं, और पहली बार भारत में इलेक्शन कराते हैं। इलेक्शन फॉर जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है वो 1946 में होता है, और 1948 में भारत की पहली अंतरिम सरकार बनती है, फर्स्ट इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बन जाती है, ठीक है ना। इसके बाद भारत स्वतंत्रता की ओर जाता है 1947 में, ठीक है ना। 20 फरवरी 1947 को भारत ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के द्वारा, जो उस टाइम कौन था, वे एटली साहब थे, तो एटली ने क्या किया, भारत के स्वतंत्रता की घोषणा की। घोषणा करने के बाद भारत आज़ाद हो जाता है, ठीक है ना। और फिर अब हमारी मीटिंग स्टार्ट हो जाती है, जैसे पहली मीटिंग होती है उसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को पहली बार क्या बनाया जाता है, अध्यक्ष बनाया जाता है। पहली मीटिंग कॉन्स्टिट्यूशन की होती है 9 दिसंबर को, फिर इसके बाद 2 दिन बाद फिर मीटिंग होती है, हालांकि हमारे पास क्या थे, टेम्परेरी थे, क्या थे, अस्थाई अध्यक्ष थे, बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। और सेकंड मीटिंग जैसी होती है 11 दिसंबर को, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बना दिया जाता है, इसका स्थायी अध्यक्ष, परमानेंट चेयरमैन बना दिया जाता है। वाइस चेयरमैन कौन होते हैं इसके, डॉक्टर HC मुखर्जी साहब होते हैं, और इसके जो लीगल एडवाइजर होते हैं वो कौन होते हैं, BN राव, इसको बोलेंगे वैधानिक सलाहकार, BN राव होते हैं, ठीक है ना। फिर थर्ड मीटिंग होती है, और ये तीसरी मीटिंग बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को क्या किया, एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पास किया, संविधान के उद्देश्य को पास किया, और इसी को आगे चलकर हमने क्या किया, 22 जनवरी को
22 जनवरी 1947 को इसको हमने अपना बनाया प्रीएम्बल, क्या बनाया, प्रस्तावना, हमने इसको अपना स्वीकार किया था, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना रखेंगे, इसके बाद हम कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी मीटिंग्स हुई, इसकी कौन कौन सी कमेटियाँ थी, है ना, प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे, बी आर अम्बेडकर साहब थे, माइनॉरिटीज के लिए क्या थी। तो आज मैंने थोड़ा बेसिक सा आपको बताया, हो सकता है थोड़ा सा बोरिंग लगे स्टार्टिंग में, लेकिन जैसे हम इसके पार्ट्स पे आएंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, टेक केयर।